नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा, इंस्पायर टू हिंदी से, और ये है मोटो वन एक्शन। मैं आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा मोटो वन एक्शन का अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन देखा था तो उसमें हमने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। बट मैं जो आपको और चीजें बताना चाहता हूँ वो ये कि इसका बिल्ड और डिजाइन मुझे काफी हद तक सॉलिड लगा। फ्रंट पे ग्लास दे रखा है, प्लास्टिक बॉडी इसकी, और इसमें जो सामने जो होल पंच नॉच दे रखा है वो काफी बड़ा सा है। बाकी इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फेस अनलॉक है वो काफी फास्ट है, बहुत ही तेजी से वो अनलॉक कर देता है। और इसके अलावा मुझे इसका यूआई सही लगा, बट जो लॉन्चर है वो जब से आप उसको खोलते कभी कभी वो ऊपर नीचे सा हो जाता है, और थोड़ी सी मुझे ऐसे स्क्रीन ब्लीडिंग सी दिखाई दी होल पंच नॉच के पास में, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट इसमें सैचुरेटेड कलर प्रोफाइल डली हुई आती है इस फोन में, और उसको आप हटा सकते हैं। बाकी मोटो के जो एक्शंस है जैसे चॉप चॉप वाला जो जेस्चर होता है और फ्लिक वाला एक जेस्चर होता है कैमरा खोलने के लिए, वो सारे इसमें मौजूद है। तो मोटो वालों ने उस मामले में कहीं पे कमी नहीं करी है। और मैं अगर कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो कई लोग ये बोल रहे थे कि यार मी A3 के मुकाबले इसका कैमरा बेकार है या अच्छा नहीं है, बट इसमें बहुत सारे मोड्स दे रखे हैं। टाइम लैप्स मोड है, वीडियो मोड है, एक अलग से एक एक्शन कैमरा वाला सेंसर भी है इसमें। फ्रंट कैमरा जो इसमें है वो सामने 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। 4K वीडियोस आप इसमें 21:9 में भी शूट कर सकते हैं, और जो एक्शन कैमरा है उससे भी आप 60fps वाली वीडियो शूट कर सकते हैं फोन को सीधा रख के, हाथ में पकड़ के, ना कि फोन को लैंडस्केप करना पड़ेगा। फोन को आप सीधा पकड़ेंगे और वो एकदम मस्त लैंडस्केप वीडियो शूट करेगा एक्शन कैम की तरह, तो वो बढ़िया है। कैमरा की मैं क्वालिटी की बात करूं तो जो इसमें 12 मेगापिक्सल का F1.8 वाला मेन सेंसर है वो बहुत ही बढ़िया इमेजेस लेता है, मुझे ऐसा लगा। और कैमरा क्वालिटी जो है वो बहुत हद तक सही है। मी A3 की शायद से तब बेटर होगी इससे कैमरा क्वालिटी जब आप उसमें जी कैम डालेंगे, और जी कैम तो यार इस पे भी सपोर्टेड है, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि दोनों को साथ साथ कंपेयर करने वाली बात हो जाएगी। सेल्फी कैमरा भी इसका बहुत ज़बरदस्त लगा। क्वालिटी आप देख सकते हैं क्या, मतलब वो एकदम क्लियर कट क्वालिटी निकाल रहा था, और मेरे जो माथे में पसीना था वो तक सामने सामने दिखाई दे रहा है उस पे। तो ऑल इन ऑल मुझे मोटोरोला वन एक्शन का कैमरा बहुत ज़बरदस्त लगा। सामने वाले कैमरा से जो फ्रंट कैमरा से वीडियो ली जाती है 1080p वीडियो, उसमें उतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं दिखाई दी, बट ठीक था। और बैक कैमरा से जो 4K वीडियो ली हुई थी उसमें फोकसिंग में उतना ज़्यादा जल्दी वो फोकस नहीं कर पा रहा था, तो वो एक कमियों में से एक लगा। बट इसका जो एक्शन कैमरा है उसका अगर आप सैंपल देखेंगे आप हिल जाएंगे। यह है एक्शन कैमरा का सैंपल, इतना ज़्यादा स्टेबलाइज सैंपल है ये, एकदम आप इसको हाथ में लेके भागेंगे और बहुत ही बढ़िया आप सही 60fps पे फुल HD भी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना ज़्यादा शेक्स के, तो वो मुझे एक बहुत ही सही चीज़ लगी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं जो कि हमने हैंड्स ऑन वीडियो में नहीं बताया था, तो Antutu बेंचमार्क पे इसका स्कोर काफी हद तक जबरदस्त है। Exynos 9609 इसमें चिपसेट दे रखा है, और इसके अलावा Geekbench पे भी इसका स्कोर काफी हद तक सही था। इस प्राइस रेंज में आपको ये याद रखना है कि इसकी कंपटीशन कुछ ही अन्य फोन से हो रही है, और इस पे PUBG एकदम हाई सेटिंग्स पे चलती है HDR और अल्ट्रा पे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं HDR और अल्ट्रा पे मैं खेल रहा था, बड़े ही प्यार से आराम से खेल पा रहा था। बाकी आप इस पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट करके खेलेंगे अगर HD सेटिंग्स पे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो वो एक मेरे को सही चीज लगी कि यार गेमिंग के मामले में फोन काफी जबरदस्त है, और इसका एक्सपीरियंस मुझे सही लगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 30 टाइम्स फास्ट कर रखा है इस वीडियो को ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक पूरा मैच मैंने खेला, और अंत में जाके उसके बाद मैंने फिर GTA San Andreas भी खेली पूरा मैच खत्म करने के बाद, और इस मैच में बहुत ही शर्मनाक तरीके से हमारी हार हो गई क्योंकि मैं शूट करने पे ध्यान दे रहा था। और उसके बाद जब ये पूरा खत्म हुआ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो GTA San Andreas में परफॉर्मेंस थी वो काफी तक सही आ रही थी। एक चीज जो बेकार सामने मुझे लगी वो ये कि इसका टेम्परेचर काफी हाई हो रहा था। इंटरनल बैटरी का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 43 डिग्री तक चला गया, और CPU टेम्परेचर 71 डिग्री तक। पीछे भी थोड़ा सा ये फोन गर्म सा हो गया था, तो वो इसकी खामियों में से एक है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग स्मार्टफोन है बट यार थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हाई चला जाता है। और आइए अब करते हैं एक साउंड चेक। इस फोन का ऑडियो आउटपुट जो था वो अबव एवरेज था, बट उतना ज्यादा जबरदस्त नहीं लगा। डुअल बैंड वाईफाई को ये सपोर्ट करता है, इसमें FM रेडियो भी दे रखा है, सारे फीचर्स ऑलमोस्ट दे रखे हैं। 3500 mAh की जो इसके अंदर बैटरी है ना वो इसके एक वीक पॉइंट्स में से एक है। सिर्फ मुझे इसके 2-3 वीक पॉइंट्स लगे, उनमें से एक मुझे ये लगा कि इसकी जो बैटरी है वो उतना ज्यादा टिकेगी नहीं, बिकॉज अगर आप उसको हैवी यूसेज करेंगे तो 3500 mAh बहुत ही तेजी से खत्म हो जाएगा, और एक दिन में आपको शाम तक आराम से चार्ज करना पड़ जाएगा, तो इसकी खामियों में से एक है। बट सबसे बड़ी चीज याद रखने की ये है कि यह फोन जो है 13,999 रुपए पे उपलब्ध हो रहा है। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, इतना सब कुछ इसमें मिल रहा है, सब कुछ एक बढ़िया पैकेज में मिल रहा है। इसका मेन कंपटीशन आता है मी A3 से और कुछ अन्य फोनों से, और उनके मुकाबले इसमें काफी सारी चीजें बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ इसमें खामियां हैं वो सारी मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फोन लेना है जो आपकी नीड्स को पूरी तरीके से मीट करे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर्ड टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है, उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।